और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हजारों करोड़ रुपए आपके लूटे जाते हैं, तो आपको भ्रष्टाचार मिला है, आपको कमर तोड़ महंगाई मिली है। इतनी महंगाई है कि आपके जीवन में संघर्ष और संकट बढ़ते चले गए हैं। मेरी बहनें यहाँ हैं, मेरी बहनें, सारा घर आप संभालती हो, परिवार को आप संभालती हो, आप बच्चों की परवरिश को देखती हो, नौकरी होती है तो नौकरी भी करती हो, जो खेती में काम करने वाले हैं वो महिलाएं खेती में भी काम करती हैं, घर आके फिर भी आपको सब कुछ संभालना पड़ता है। और जब तक घर में परिवार के एक एक सदस्य सो नहीं जाते खा पी के, तब तक आप सो नहीं सकती, आप आराम नहीं कर सकती। सच बात है कि नहीं? तो महंगाई का सामना कौन करता है? बोझ सबसे ज्यादा जो महंगाई का है किस पे होता है? महिलाओं पे होता है, बहनों पे होता है। गैस के सिलेंडर के दाम जब बढ़ जाते हैं तो किस पे, किसको दिक्कत आती है? आपको दिक्कत आती है। आप घर में सबको खिला देंगी लेकिन खुद भूखी रहेंगी अगर कोई ऐसी समस्या है। सच बात है कि नहीं? सच है ना? तो आप समाज का पूरा बोझ उठाती हो। सारी महिलाओं की यही कहानी है, चाहे बड़े घर की हो चाहे गरीब घर की हो, यही होता है। समाज का बोझ महिलाएं उठाती हैं और समाज महिलाओं को मदद नहीं करता। तो इसलिए एक उम्मीद होती है सरकारों से कम सरकार मदद कर लेगी, महंगाई से थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, गैस सिलेंडर के दाम थोड़े कम हो जाएंगे, कोई ऐसी स्कीम आएगी जिससे महिलाओं को भी आगे बढ़ाया जाए और आप भी अपने पैरों पे खड़े हो पाए, आप भी कुछ कमा पाए, आपको भी रोजगार मिले। लेकिन इस सरकार ने ये सब आपको कुछ नहीं दिया। यहाँ मेरे किसान भाई होंगे, किसान आज तेलंगाना में परेशान है, त्रस्त है। किसान को कहा गया था कि कर्ज माफ किए जाएंगे, अभी तक कर्ज माफ नहीं हुए। धरनी पोर्टल निकाला, उससे आपकी जमीनें जब्त हुई, आपको जमीनें नहीं मिली। तो जहां जहां आप देखें, जो वादे आपसे किए गए थे वो एक के बाद एक वो वादे तोड़े गए। तेलंगाना के लिए आप सबने आंदोलन किया, तेलंगाना अगर बना तो यहाँ के नौजवानों के बलिदानों से बना, यहाँ के किसानों, यहाँ की बहनों के बलिदान से बना। तो आज अगर तेलंगाना देश और दुनिया में जाना जाता है तो इसलिए जाना जाता है कि यहाँ की जनता ने अपना खून पसीना बहाकर इस प्रदेश को बनाया है। तो ये जमीन आपकी है, इस जमीन में आपका खून आपका पसीना मिला हुआ है, इस जमीन की हिफाजत, इस धरती की हिफाजत कौन करेगा? आपको इसकी हिफाजत करनी पड़ेगी। 10 सालों से जो सरकार आप देख रहे हो, जितनी भी आपकी उम्मीदें थीं, जितने भी आपके सपने थे, एक एक करके चूर चूर किए गए हैं इस सरकार के द्वारा। इस सरकार ने आपको नकारा। क्या हुआ? केसीआर जी ने अपने परिवार के एक एक सदस्य को मंत्री बना दिया। बनाया कि नहीं? तो केसीआर जी के परिवार के सदस्यों को तो जॉब मिल गया, उनको महल मिल गए, बड़े बड़े घर बनाए। ये हद हो गई है कि पूरे देश में ये एक पहला प्रदेश होगा जिसकी सरकार एक फार्म हाउस से चल रही है। जानते हैं आप, आपकी सरकार भी जहां से चलनी चाहिए वहां से नहीं चल रही है। तो क्या हो गया है? बीआरएस के नेता आलस में पड़ गए हैं, आलसी हो गए हैं और भ्रष्ट हो गए हैं। तो अब आपको तय करना पड़ेगा, आपको एक भ्रष्ट और आलसी सरकार चाहिए या आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो दिन रात आपके लिए काम करके दिखाए? कांग्रेस चाहिए? बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। तो केसीआर को बदलना है। मारपुर चाहिए? हाँ? तो देखिए, कांग्रेस के बारे में एक बात आपको समझनी जरूरी है। कांग्रेस महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू,
लाल बहादुर शास्त्री जी की पार्टी है, कांग्रेस सोनी अम्मा की पार्टी है, कांग्रेस के कण कण में, कांग्रेस के कण कण में सेवा लिखा है। कांग्रेस का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी जानता है कि इस देश में जनता से बड़ा कोई नहीं है। जब कांग्रेस के नेता में अहंकार आता है, पता है क्या करता है? कांग्रेस छोड़ता है, क्योंकि कांग्रेस में उसके लिए कोई जगह नहीं रहती। कांग्रेस में अहंकार की जगह नहीं है, कांग्रेस में आलस की जगह नहीं है। कांग्रेस वो पार्टी है जो आपके लिए 24 घंटे काम करके आपको दिखाएगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ का किसान खुश है। छत्तीसगढ़ का किसान इतना खुश है कि जो लोग पलायन करके शहरों में रोजगार ढूंढने के लिए गए थे वो वापस आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, धान के सबसे ज्यादा पैसे छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने 25 लाख रुपए तक मुफ्त में इलाज दिया। राजस्थान में मैं ऐसे लोगों से मिली हूं जिनकी हार्ट सर्जरी हुई है, जिनका कैंसर का पूरा इलाज हुआ है, लेकिन एक भी पैसा नहीं देना पड़ा। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, महिलाओं को हर महीने अपने खाते में पैसे मिल रहे हैं। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है और महिलाएं पूरे प्रदेश में मुफ्त में बस की यात्रा करती हैं। बहनों, आज आपको मायके में जाना होता है या आपको कहीं पे जाना होता है, बच्चों से कहीं बच्चा रोजगार कहीं दूर कर रहा है, वहां पे मिलने जाना पड़ता है, तो बस की फीस देनी पड़ती है, बस के टिकट खरीदने पड़ते हैं। हम चाहते हैं कि जब हमारी सरकार आए तो हमारी बहनें पूरे प्रदेश में बगैर टिकट के फ्री पास से घूमें। ये कर्नाटका में हो रहा है, ये कर्नाटका में आज हो रहा है। हमने चुनाव में कहा था कि हम गारंटी करेंगे कि हम महिलाओं को मुफ्त यात्रा और महिलाओं के पैसों में, खातों में पैसे डालेंगे। हमारी सरकार आई, पहली मंत्रिमंडल की मीटिंग में, पहली मीटिंग में ये तय किया गया और पैसे डालने शुरू हुए। आज महिलाएं खुश हैं। तो हम आपको ऐसी सरकार देना चाहते हैं जो आपके लिए ये सारे काम करें। जब मैं छत्तीसगढ़ जाती हूँ, मैं राजस्थान जाती हूँ, मैं कर्नाटका जाती हूँ, तो मुझे गर्व होता है अपनी सरकार पे। मुझे मंच पर खड़े होकर गर्व होता है कि मैं जो कह रही हूँ मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई झूठी चीज नहीं बता रही जनता से। मुझे गर्व होता है कि मैं मंच पे खड़े होकर बता सकती हूँ कि देखो हमने ये आपके लिए ये सब काम किए। और मेरी आशा है कि मैं एक दिन तेलंगाना में भी जब मंच पे खड़े होकर आपको भाषण दूं, तो मैं गर्व से कह पाऊं कि आपके जितने भी सपने थे वो हमने साकार किए, कि हमने आपको भी जैसे राजस्थान में 2 लाख रोजगार दिए हैं, कि हमने आपको भी यहाँ पे 2 लाख रोजगार दिलवाए। मेरी ये आशा है, मेरा ये सपना है कि मैं खड़े होकर यहाँ पे आपसे ये बातें एक दिन कर पाऊं। आज जो केंद्र सरकार और तेलंगाना में जो प्रदेश की सरकार है, वो दोनों मिले जुले हैं, दोनों एक तरह की सरकार है। उनका एक ही मकसद है कि किसी न किसी तरह से सत्ता में रहना है। कोई धर्म की बात करता है, कोई भ्रष्टाचार करता है, बस सत्ता हाथों में रहनी चाहिए और हमें सत्ता में रहकर हमें खूब पैसा बटोरना चाहिए। क्या आपको मालूम है कि भाजपा बीजेपी आज देश में सबसे अमीर पार्टी है, सबसे ज्यादा पैसे वाली पार्टी है। तेलंगाना में BRS सबसे